और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर की तरक्की वाला फैसला बताया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। बाकायदा इसको लेकर जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर की तरक्की वाला फैसला बताया है और इसी ट्वीट में आप देखेंगे कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जो काम जो वादा किया गया था वो हमेशा आगे भी इसी तरीके से जारी रखा जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आज का फैसला आशा की किरण है, यानी कि ये साफ है कि अब ये फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जो बीते चार सालों में प्रयास किए जा रहे थे उसमें और भी ज्यादा अब तेजी लाई जाएगी। ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और न सिर्फ आप देखेंगे कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बल्कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी में दिखाई दे रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमित शाह की तरफ से स्वागत किया गया है। ऐतिहासिक फैसला है, प्रधानमंत्री ने 370 हटाकर यह ऐतिहासिक फैसला लिया था, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। 370 के हटने के बाद वहां पर शांति बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह का ये ट्वीट है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया है और ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था और उसके बाद से अब तक का एक बार फिर से याद दिलाया कि कैसे जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो लगातार बदलती और सुधरती चली जा रही है और इसी का जिक्र एक बार फिर से अमित शाह यहां पर करते हुए दिखाई दिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, प्रधानमंत्री और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर न्यायालय की संवैधानिक पीठ धारा ने 370 और 335 को हटाने के लिए गए निर्णय प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहरा दिया है, यानी कि खुले मन से भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। आपको यह बता दें कि इससे पहले विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर किया था कि जो ये बड़ा फैसला लिया गया था वो लोगों के हित में था। अब चूंकि 4 साल बीत गए हैं तो वहां पर जो लोग हैं उन्हें भी ये समझ में आने लगा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदल गए हैं और इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि वहां पर लोग इस वक्त मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और इसी को लेकर जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट किया गया है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 370 के विषय में जो ये फैसला दिया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 370 के विषय में दिए गए इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। जेपी नड्डा ने कहा है उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ धारा ने 370 और 35 को हटाने के लिए गए जो निर्णय है इसका जेपी नड्डा की तरफ से जिक्र किया गया है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है और ये इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे इस वक्त जो घाटी के हालात है वो पिछले 4 सालों में बदलते चले गए हैं। और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहरा दिया है और फैसले में यह कह दिया है कि संविधान के दायरे में रहकर केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है क्योंकि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 अच्छी भावना से हटाया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाने का निर्देश दे दिया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कह दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो, 2024 सितंबर का ये समय दिया गया है, 2024 सितंबर तक चुनाव कराने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई है। और ये बहुत बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था ये हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 370 हटाने का फैसला सही है, ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के इस फैसले को सही ठहराया है, वो फैसला
जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, और इसमें दलील ये दी गई थी कि जो जम्मू कश्मीर में 370 था उसके वजह से वहां के लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो फैसला लिया गया वो संविधान के दायरे में बताया गया, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि असंवैधानिक तरीके से फैसला लिया गया, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है, बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विलय के साथ ही उसकी संप्रभुता खत्म, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। युद्ध के हालात में 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी, सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए गए, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जश्न का माहौल है, वहां पर ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जब ये फैसला आया था तब वो जरूर कंफ्यूजन में रहे होंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में वो ये देख चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात कितने बदले हैं, उनके हित में कैसे ये फैसला लिया गया था। और इसीलिए जैसे ये फैसला सामने आया तो फिर आप तस्वीर देख लीजिए, जम्मू में जश्न का माहौल है और आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा भी दिखाई देंगे। वहां पर जो बदलाव हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं जो होती थी, आतंकवाद वहां पर होता था। इसके अलावा दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा, और उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न का माहौल कैसे देखने को वहां पर मिल रहा है। कोमल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई है, कोमल का मैं रुख कर रही हूँ। कोमल, मुझे आपके पीछे भी बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लिए हुए, क्या तस्वीर? और देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल, आप देखिए आज बर्फ पड़ी होगी कश्मीर में, सुना है सुबह ही मौसम खराब हुआ था तो पसीने भी छूट रहे होंगे विरोधियों के, वो विरोधी जो अक्सर कहते आए हैं कि गलत तरीके से धारा 370 को हटाया गया था। आज उन नेताओं को बर्फ के अंदर दबाने की बात आ गई है, आज उन नेताओं को जो 370 के विषय टेम्परेरी 370 सत्तर वर्ष टेम्परेरी रही, चाचा नेहरू ने कमाल कर दिया, एक टेम्परेरी व्यवस्था कितनी देर चलाई 70 वर्ष, और आज फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर मोर लगाई है। देखा, तिलक लगाया आपने, 5 बेंच पे तिलक लगाया, इनको इसलिए करा इनके आगे नतमस्तक हुआ हूँ, हिंदुस्तान की जनता सुनहरे अक्षरों के अंदर इस बात को लिखेगी, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक निर्णय स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। और दूसरी बात, अब बारी दिल्ली के मोदी जी की है, उनका उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसको पास करा, अब वो जो 70 वर्ष कश्मीरियों ने जम्मू वालों को बेवकूफ बनाया, अब है ये जो फैसला ऐतिहासिक आया है, इसके बाद बहुत से जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं।